उम्मीद आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप सब लोगों के बीच में दिन का पहला लाइव लेकर के उपस्थित हो गई हूँ। लाइव का जो विषय है वो बड़ा चिंताजनक है। हम सब ने अभी कुछ दिन पहले 9 तारीख को होली के तुरंत बाद भारतवर्ष के जाने माने प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर सतीश कौशिक जी को खोया। सतीश कौशिक जी एक ऐसी शख्सियत इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जिन्होंने हमारा बहुत मनोरंजन किया और भर भर के प्यार और सम्मान भारतवर्ष के हर व्यक्ति से हासिल भी किया। सतीश कौशिक जी की जो अचानक से मृत्यु हुई उसका इनिशियल जो कारण था वो हम सबके बीच में जो आया था वो था कार्डियक अरेस्ट, और उसके बाद अब जो सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय है। अब ये बोला जा रहा है और ये दावे ठोके जा रहे हैं कि सतीश कौशिक जी को मारा गया है, उनकी हत्या की गई है, और किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उनके बेस्ट फ्रेंड जो सालों से रहे हैं विकास मालू, जो फार्म हाउस के ओनर थे, जिनके फार्म पर होली की पार्टी अटेंड करने सतीश कौशिक मुंबई से दिल्ली आए थे, उन्होंने ही की और वो भी करोड़ों रुपए के कारण। और ये जो खुलासे किए हैं ये विकास मालू की जो पत्नी है सानवी मालू उसने करे। निवेदन करूंगी लाइव को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ चैनल मेरे ममता पेन्यूली काले उवाच को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही अगली सा मोड़ इस मामले में आ गया है। सानवी मालू ने जब से दिल्ली पुलिस को पत्र लिख करके ये बहुत बड़ा आरोप अपने पति के ऊपर लगाया है कि उनके पति विकास मालू, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कुबेर ग्रुप के ओनर हैं, ये आई थिंक एक पान मसाला है उसके ओनर हैं, और उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को गलत दवाइयां खिला करके पैसों के लिए मार दिया। 15 करोड़ रुपए विकास मालू ने सतीश कौशिक जी से लिए थे और वो काफ़ी समय से उन अपने पैसे को वापस मांग रहे थे, ऐसा सानवी मालू का दावा है। और दोनों की इस चीज़ को लेकर के, पैसों को लेकर के लड़ाई भी हुई थी, बहसबाजी भी हुई थी, और फिर विकास ने बोला था कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन 15 करोड़ रुपए उनको न लौटाने पड़े सतीश को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, इसलिए उन्होंने गलत दवाइयां खिला करके हत्या कर दी सतीश कौशिक जी की। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि उस फार्म हाउस से जो बिजवासन में है दिल्ली के, वहां पर पुलिस को कुछ ऐसी दवाइयां भी मिली हैं जो संदिग्ध हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उस पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर लेवल की इंक्वायरी को सेटअप कर दिया गया है, क्योंकि ये जो फार्म हाउस है ये दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, इसलिए वहां पर ये इंक्वायरी सेटअप हो गई है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जो आ चुकी है, उसमें किसी भी फाउल प्ले का कोई भी सुराग नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। उसमें यह बोला गया है कि उनको मैसिव कार्डियक अरेस्ट आया था, उसके अलावा उनको हाइपरटेंशन एंड शुगर की बीमारी थी, ये भी बोला जा रहा है। उसके अलावा ये जो स्वाति मालूम है, हो सकता है ये अपनी पर्सनल खुंद अपने पति से निकाल रही हो, क्योंकि अभी 2 महीने पहले स्वाति मालू ने सानवी मालू ने अपने पति पर, विकास मालू पर, रेप का आरोप लगाया था और उस मामले में उसके ऊपर केस भी दर्ज किया था। तो कई लोगों का ये कहना है कि नहीं, सतीश कौशिक जी और विकास मालू बेस्ट फ्रेंड थे, अपने दोस्त की पार्टी को सेलिब्रेट करने, होली उनके साथ सेलिब्रेट करने वो मुंबई से ऑल द वे दिल्ली आए थे, तो इस तरीके के ये जो आरोप है वो बेबुनियादी हैं। मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख को सतीश कौशिक जी ने मुंबई में होली खेली जावेद अख्तर जी के घर में जा करके, उसके बाद 8 तारीख को वो दिल्ली आए और वो फार्म हाउस में थे, और जो फार्म हाउस की तस्वीरें, जो क्लिप्स आ रहे हैं उसमें वो बड़े खुश, फिट, हेल्दी दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने खूब इंजॉय यहाँ पर भी किया। जो मुंबई की फोटोग्राफ्स हैं उसमें भी ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन एंड यू नो हैप्पी, तो उन्होंने वहाँ भी इंजॉय किया। लेकिन 8 तारीख की रात को उनकी तबीयत बिगड़ी, क्योंकि 9 तारीख को उनको वापस जाना था, 9 सुबह की उनकी फ्लाइट थी मुंबई वापस जाने की। उनके जो मैनेजर हैं, जो सतीश कौशिक जी के साथ दिल्ली आए थे, संतोष राय, उन्होंने अपने बयान दिए हैं, अपना इंटरव्यू दिया है इस मामले में, और उन्होंने बड़ी मार्मिक चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि सतीश जी ठीक थे,
8 तारीख को 8 बजे उन्होंने अपना डिनर विनर करके 9 बजे तक वो सोने चले गए थे। अपने आईपैड पे कुछ फिल्म्स की क्लिप्स देख रहे थे और उन्होंने बोला कि कल जल्दी जाना है इसलिए हम सो जाते हैं टाइम पे। और उसके बाद अचानक 12 बजे उनकी आवाज़ें आईं, उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया जो नेक्स्ट डोर जो कमरा है उसमें ही रह रहे थे, सो रहे थे। तो वो जब गए तो उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो, मुझे सांस नहीं आ रहा है। तो उनके ड्राइवर और मैनेजर उनको लेकर के फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर के गए। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उनको चेस्ट में पेन होने लगा, तो वो घबरा गए और उन्होंने अपने मैनेजर को बार बार ये बोला कि मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। यू नो इट गिव्स यू गूज बम्स। एंड मुझे यकीन नहीं आता कि जिस इंसान ने हम सबको इतना हंसाया वो अब इतना रुला के चले गए और अब ये उनके जाने के बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सो ही सेड टू हिज मैनेजर कि मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो, मुझे वंशिका जो उनकी बेटी है उसके लिए मुझे जीना है। लेकिन वो आगे कहते हैं कि शायद उनको अपने जाने का एहसास हो गया था, उनको आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने मैनेजर को बोला कि शशि जो उनकी पत्नी है और वंशिका बेटी दोनों का ध्यान रखना, इन दोनों का ही ध्यान रखना। और उसके बाद जब अपेरेंटली दे रीच्ड फोर्टिस तो वहाँ पर जब चेक हुआ तो पता चला कि ही इज़ नो मोर। और संतोष बता रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी के अंदर ही रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया था। तो एक तरफ इतनी मार्मिक, इतनी दिल को मतलब छू देने वाली, रुलाने वाली चीज़ें बाहर आ रही हैं, दूसरी तरफ ये जो सानवी मालूम है इनका जो ये क्लेम है ये आ रहा है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि सतीश कौशिक जी, मैं नहीं जानती कि क्या सच है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर ये महिला अपने पर्सनल खुन्नस के लिए, अपने पर्सनल वेंडेटा के लिए सतीश जी के जाने के बाद उनकी मौत का इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, मजाक बना रही है, तो कृपया ना करें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम है, उनका हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। और ये मैं नहीं चाहती कि कोई उनकी मृत्यु को अपने लिए इस्तेमाल करे। सच ऑब्वियसली निकलेगा क्योंकि अब इंस्पेक्टर लेवल की इंक्वायरी सेटअप हो गई है, तो ट्रूथ विल कम आउट एंड वी ऑल वांट टू नो व्हाट इज द ट्रूथ। बट इफ एट ऑल दिस फीमेल इज यू नो डूइंग दिस थिंग जस्ट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर हर हस्बैंड एंड यू नो सेटल हर पर्सनल स्कोर्स, देन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि विकास मालू जो फार्म के मालिक हैं, जो सतीश कौशिक जी के इतने अच्छे दोस्त हैं, कुबेर ग्रुप के ओनर, वो एब्सकॉन्डिंग है, वो भागे हुए हैं। वो भागे क्यों हैं ये भी समझने वाली बात है इफ़ इट इज़ करेक्ट। बट जो खबरें हैं वो तो यही हैं कि ही इज़ ऑन रन, तो वाई डिड ही रन, वॉट इज़ ही फेयरिंग, मे बी यू नो कुछ है। पर ये 15 करोड़ वाला जो सच है ये भी बाहर निकल करके आ जाएगा, परिवार की तरफ से अभी तक कोई इस तरीके की बात आई नहीं है। लेट्स सी हाउ इट गोज। बट मैं सतीश जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत याद आओगे सतीश जी, यू विल लिव इन आवर हार्ट्स एंड यू विल बी मिस्ड। गॉड ब्लेस यू वेर एवर यू आर, वी लव यू इमेंसली सतीश जी। एंड आप इतनी जल्दी चले जाएंगे ये हमने कभी सोचा नहीं था। आपका मैं बहुत सम्मान करती हूँ और करती रहूँगी। धन्यवाद।